जी चार्जशीट दाखिल हुई उस सुखबीर बादल प्रकाश सिंह बादल का नाम है कि मैं देख रही कोई भी सूबा ताही तरक्की करता जो उसका माहौल शांत है ताही इंडस्ट्री आऊगी ताही कारोबार ताही लोग इतने रहनगे अज जिहड़ा यूथ साडा विदेशां च भज रहा ना वो बड़ा चिंता का विषय जिहड़े साडे बंदी सिंह ने जिन्हां दी सजावां पूरियां हो चुकियां ने उन्हां नूं रिहा करना चाहिए वा। पहली बार होया ये देखने को मिलया कि गवर्नर एड्रेस ते ही कोई इस तरह का शोर शराबा होया होवे सो क्योंकि सरकार का तो गवर्नर का तालमेल होना जरूरी है ना। देखो बड़ी हैरानी वाली गल आ देखो पावर कॉमन डिपार्टमेंट आ जिहड़ा ते वो भी करजई होया होया तो जिहड़ा मंडी बोर्ड आ वह उन्हां तों किश्त नहीं दे हुई करजे की तो वह डिफाल्टर होए आ। सरकार आ जिहड़ी गवर्नर तो बिना नहीं चल सकती सो इसलिए चाहिए सरकार ने कि आने वाले समय से भी उस तरह के जिहड़े संबंध बना के रखन तां जो सरकार नूं दिक्कत ना आवे। जाली साहब अज पहला दिन तो पहले दिन ही हंगामा और खास तौर के उत्ते गवर्नर साहब की स्पीच के मेरी गवर्नमेंट शब्द के उत्ते विरोधियों का तंज कसना सो किवें देखते हो इस समय? देखो मैं तीजी बार चुन के आया विधानसभा के मैंबर के तौर पर पहली बार होया ये देखने को मिलया कि गवर्नर एड्रेस से ही कोई इस तरह का शोर शराबा होया हो सो क्योंकि सरकार का तो गवर्नर का तालमेल होना जरूरी है ना। पिछले समय के जो भी इन्हां दी कंट्रोवर्सीज हुई ने मतभेद खुल के सामने आए ने सो उही उहदा कारण सी जिहदे करके अज जिहड़ा हंगामा होया वा। सो क्योंकि सरकार आ जिहड़ी गवर्नर तो बिना नहीं चल सकती सो इसलिए चाहिए सरकार ने कि आने वाले समय से भी उस तरह के जिहड़े संबंध बना के रखन तां जो सरकार नूं दिक्कत ना आवे ते सूबे दे लोकां नूं किस तरह की दिक्कत ना आवे सो इस तरह के आने वाले समय के इन्हों अपने रिलेशन है जो डिवेलप करके रखने चाहिए। चार्जशीट दाखिल हुई उस सुखबीर बादल प्रकाश सिंह बादल का नाम है किवें देख रहे हो? देखो वो बारे तो सर सुखबीर सिंह बादल जी दस सकते हैं सारा डिटेल दे विच। हाँ जी देखो बड़ी हैरानी वाली गल आ देखो पावर कॉमन डिपार्टमेंट आ जिहड़ा तो वह भी करजई होया हो जिहड़ा मंडी बोर्ड आ वह उन्हां तों किश्त नहीं दे हुई करजे की तो वह डिफाल्टर होए आ। सो ये मेरा ख्याल पहली बार होया होगा क्योंकि सब तो जिहड़ा ये अदारा बड़ा स्ट्रोंग अदारा रहा मंडी बोर्ड तो यदा डिफाल्टर होना साडे लई चिंता का विषय। सो सरकार की वड्डी जिम्मेवारी आ। देखो तुसीं विरोधी धिर च रह के तां गल्लां बड़ियां कर लैंदे हो दूजिआं नूं निंद दिंदे हो ते हुण जदों आप तुहानूं मौका मिलदा फिर पता फिर लगता हुण अज एक साल होया लॉ एंड ऑर्डर की हालत बड़े माड़े ने सो डिवेलपमेंट के काम पिंडां दे शहरां दे सारे रुके हुए ने अज भी पिंडां दे क्योंकि सरपंच पहलों बने हुए ने यह सरकार वल्लों पक्षपात किया जा रहा काम रोके जा रहे हैं। सो चाहिए तो यह भी जिहड़ियां भी पंचायतां बनियां ने जिहड़े कौंसलर बने ने असी एक साल जिहड़ा लंघ गया उहदे विच डिवेलपमेंट के काम करवाईए असी बिना पक्षपात तों पर वो बदलाव वाली गल कोई दिखी नहीं सानू हजे तक एक साल दे विच। देखो सरकार वैसे तो जी सरकार हैगी पहले दिन तो ही इस मुद्दे पर फेल हो रही है क्योंकि जदों सिद्धू मूसेवाल का कतल होया उस बड़े तो लैके ही उस तो बाद जी संगरूर की इलैक्शन आई है वो इस तरह का उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पाया इन्हों लेकिन फिर भी हजे लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं कर सके एक साल के समय। सो सरकार को इस पासे कोई भी सूबा ताही तरक्की करता जो उसका माहौल शांत आ ताही इंडस्ट्री आऊगी ताही कारोबार ताही लोग इतने रहनगे अज जिहड़ा यूथ साडा विदेशां च भज रहा ना वो एक बड़ा चिंता का विषय उन्हां नूं रोकना तो वो ताही असी रोक सकते हैं जिथों का माहौल एटमोसफीयर असी वधिया देवांगे। सो ये वड्डी जिम्मेवारी है सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन रखना। जाली साहब जो बंदी सिंह दी रिहाई नूं लैके मोर्चा लग्गिया होया ਤਾਂ ਦੋ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।